ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक हैं और सैला कैरियत ने बहुत ही सेंसिटिवली फिल्म भी किया है ये पिक्चर द वैली, टीनेज डिप्रेशन के बारे में। ये एक ऐसी टॉपिक है जो ना सिर्फ अब्रॉड लेकिन यहाँ पर भी, इंडिया में भी, क्योंकि हमारी न्यूक्लियर फैमिलीज़ जो है, हमारी मॉडर्न फैमिलीज़ जो हैं, किसी के पास वक्त नहीं है, यू नो, और वो सबसे मेन पॉइंट है। अगर हम अपने फैमिलीज़ और अपने लव्ड वंस को वक्त नहीं देते तो वो आइसोलेटेड फील करते हैं, वो अलोन फील करते हैं, एंड दैट इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस कि लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो हम अपनी छोटी तरह से हम लोग कुछ डिफरेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ प्रीच कर रहे हैं, लेकिन ये जो स्टोरी है किसी के भी घर में हो सकता है, स्पेशली हमारी ये जो मॉडर्न फैमिलीज़ है। जब आप फिल्म देखेंगे तो आप ज़रूर सोचेंगे कि ये तो हाँ अमेरिका में शूट किया गया है, लेकिन ये तो हमारी बम्बई में कोई भी फैमिली में हो सकती है। वेल, ये मेरी सबसे, मैं 24 साल से इंडस्ट्री में हूँ, एंड दिस इज़ माय फर्स्ट मेजर अवार्ड, बेस्ट एक्ट्रेस एट द लॉन्ग आइलैंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। वहाँ पे हमें बेस्ट फिल्म, बेस्ट म्यूज़िक, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फॉर अग्निता ठाकर, बहुत सारे अवार्ड्स मिले वहाँ पर। अभी बर्लिन में बेस्ट फिल्म, बेस्ट सिनेमाटोग्राफी वो भी मिला था। मैड्रिड में बेस्ट स्क्रीन प्ले, तो बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, एंड राइटली सो, क्योंकि जिस तरह की फिल्म बनाई है सैला ने, यू नो, द वे शी इज़ पुट हर हार्ट एंड सोल इन टू इट, और अच्छा लगता है कि उसके लिए रिकग्निशन मिल जाए। ऐसा नहीं कि फेम और फॉर्चून के लिए रिकग्निशन मिले, लेकिन जब कोई प्रोजेक्ट ऐसी है जो दिल को छुए और तब उसके लिए रिकग्निशन मिले, तो इट मेक्स मोर सेंस। जी ज़रूर, द मामी फिल्म फेस्टिवल ने ये पिक्चर चूज़ किया है स्क्रीन करने के लिए, जो 14 और 15 तारीख को स्क्रीनिंग होगा जू PVR में। और हम लोग चाहेंगे कि लोग साइट पे जाएं, मामी साइट पे जाएं और देखें कि वो लोग कैसे टिकट्स ले सकते हैं आके देखने के लिए। तो एक्चुअली प्रीमियर में 14 तारीख को ज़रूर लोग आएंगे, जो मेरे दोस्त लोग भी हैं जो यही इंडस्ट्री में हैं, तो वो लोग सब देखना चाहते हैं, क्योंकि मुझे अवार्ड भी मिला है इस फिल्म के लिए, तो वो लोग सब आने वाले हैं ज़रूर। मैम, दिवाली है, तो कुछ कहना चाहिए, कुछ शुभकामनाएं देना चाहिए सारे दर्शकों को। सुचित्रा पिल्ले की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, पटाखे मत बजाइए प्लीज़, पटाखे मत फोड़िए, और हम सब हैं ना पटाखे, बस हम लोग चलते रहेंगे इधर उधर, लेकिन प्लीज़ डोंट मेक टू मच नॉइस, जस्ट सेलिब्रेट दिवाली फॉर द रीज़न इट हैज़ टू बी सेलिब्रेटेड। उसको अच्छा लगता है, ये दिया जलाना अच्छा लगता है, थोड़ा डेकोरेशन करना, पूजा करना, तो वो सब कुछ हम लोग करेंगे, और थोड़ी सी फुलझड़ी बस। कुछ आप बनाते हैं? अरे यार, ट्रेडिशनल तो कुछ नहीं बनाती हूँ, पेड़े वेड़े मैं लेके आती हूँ दुकान से बस। थैंक यू, हैप्पी दिवाली।